अंकल जी गल बात जमा अशोक जी एक थोड़ी वीडियो वायरल हुई सी कि तुम कपड़े तार के धुंद दे विच जा रहे हो की मोटिव सी उहदा? ओ एक्चुअली मैं हर साल ये मतलब कि जो धुंद है ये धुंद नूं एक तरह सेकण की कोशिश करदा है। दस साल तो मैं करता आ रहा तो जिन्ने दिन धुंद पैंदी है 10 दिन 15 दिन या 4 दिन या 2 दिन जिन्ने भी दिन पऊगी मैं उन्ने दिन धुंद दे विच घट्टो घट्ट पौना घंटा जां घंटा रोंदा इतों ज़्यादा भी नहीं इस तों घट भी नहीं। तो यह शरीर जिहड़ा धुंद जो आप सेकते हैं ना मैनू ये महसूस हों कि मैनू कोई पावर जी मिली है एक्सट्रा पावर जी मिली है तो मैनू यह कई दिन का आनंद जहा महसूस हों। पहला खांसी हो जाती सी या जुकाम हो जाता सी या बुखार हो जाता सी वो मैं अजकल नहीं हुंदा। 10 साल तो मैं ना तो कितने जुकाम होया ना कि खांसी हुई है। अंकल जी गल बात जमा जगबानी टीवी स्वागत है। कड़ाके की पूरी ठंड पै रही है लोग रजाइया दे विच या गर्म कपड़े पा के निग मान रहे ने पर कुछ दिन पहला एक फेसबुक ते एक वीडियो वायरल होंदी है तुसी देख सकते सी कि स्कूटरी ते एक शख्स आंदा है अपने जिहड़ी कमीज उतार के मतलब के बनैन तक तारी होंदी है ओह अज साडे नाल जगबाणी टीम नाल अज मिले ने तो उन्होंने गल करदे आ कि की मोटिव सी उन्हां दा की किस कारण इन्होंने वह कपड़े लाए। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल वीर जी। सर पहला तुहाडा नाम दस्सो। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। हाँ जी। निकनेम अशोक। अशोक जी एक थोड़ी वीडियो वायरल हुई सी कि तुसी कपड़े तार के धुंद दे विच जा रहे हो की मोटिव सी उहदा? ओ एक्चुअली मैं हर साल ये मतलब कि जो धुंद है ये धुंद नूं एक तरह सेकण की कोशिश करदा है ये अज तो अज नहीं गए 10 साल तो मैं करता आ रहा तो जिन्ने दिन धुंद पैंदी है 10 दिन 15 दिन या 4 दिन या 2 दिन जिन्ने भी दिन पऊगी मैं उन्ने दिन धुंद दे विच घट्टो घट्ट पौना घंटा जां घंटा रोंदा इतों ज़्यादा भी नहीं इस तों घट भी नहीं। लोग तो ठंड दे विच गर्म कपड़े आ हुण तुसीं गर्म भी कपड़े पाए ने उह तां ठंड तों बचण लई सौ हल करदे तुसीं इह की सोचिया कि अज मतलब कि कपड़े तार के जिहड़ी आ मतलब कि तुसीं स्कूटरी चलांदे तुसीं कित्थों मोटिव लिया? ये एक तो मतलब कि आप देखते हैं भी सड़क पर गरीब जनता ज बेसहारा जनता ज किस तरह कुछ लोग नंगे पैर भी घूमते हैं कुछ तो वह महसूस करने की भी कोशिश करते हैं भी ये किस तरह रेंदे हो गए किस तरह मतलब सर्व करते हो सफ़र करते हो उसनू मतलब मद्देनज़र रख के मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश की तो आपदे शरीर में भी देखा तो यह शरीर जिहड़ा धुंद जो आप सेकते हैं ना मैनू यह महसूस हुंदा कि मैनू कोई पावर जी मिली है एक्स्ट्रा पावर जी मिली है तो मैनू यह कई दिन का आनंद जहा महसूस हुंदा है। मैनू कुछ लोग कहिंदे जी ये तो फिर तुसी ठंड दूजे दिन मनदे होवोगे मैं कहा जी भरावो मेरा फोन नंबर यह है दूजे दिन भी तुसी मैनू मिल सकते हो चाहे 10वें दिन मिल सकते हो मेरे तो कोई वो नहीं है भी मतलब कि मैं कहाँ भी यार अज तो बहुत ज़्यादा ठंड अज तो दुबक के पै जाओ तो मैं ये मतलब कि ये गुण ही देखे ने मैं कोई अवगुण नहीं देखे। साडे दर्शकों दसोगे वो की गुण ने कि जेडे आपां ठंड के भी मिलते हैं क्योंकि आप देखते हाँ कि सनवॉक लेंदे ने जाके आप समुंदरां दे कंडे कि भाई धुप सेकीए तो अज तुसी एक पहले शख्स मिले जेडे कहने हो कि धुंद का भी कई फायदे ने की दसो? क्योंकि मैं महसूस किया 10 साल तो भी जो भी मैं धुंद के बच्चों बाहर निकलना दूसरे दिन मतलब कि मैं ये लगता भी मैं कोई एक्सट्रा जी पावर मिली है एक एक एक्सट्रा एनर्जी मिली है तो वह मैं कई दिन महसूस करता है तो फिर मैं जो देखदा गा कुछ मैं जड़िया आम पहला खांसी हो जाती सी या जुकाम हो जाता सी या बुखार हो जाता सी वह मैं अजकल नहीं हुंदा। 10 साल तो मैं ना तो कि जुकाम होया ना कि खांसी हुई है चलो बुखार कितने माड़ा मोटा चढ़ गया हो कह नहीं सकते है पर कोई यह जी बीमारी नहीं लगी जी कि मैनू
ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਕਲੀਫ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੂਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਸ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਰਣਵੀਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਚਰਚ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ, ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ। ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਰਦਾਰ ਬਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਠੰਡ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਣ ਦੀ। ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਕਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।